एक भारतीय परंपरा में हमेशा शुभ माना गया है और जो एक है वो सटीक है, विश्वास का प्रतीक भी है। आपके प्यार और विश्वास की वजह से क्राइम सस्पेंस क्राइम न्यूज में नंबर वन तो है ही, और आज हम हैं डबल नंबर वन, क्योंकि नंबर वन के पहले दो और जुड़ गया है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने 21वें वर्ष में। 20 वर्षों से लगातार जुर्म व भ्रष्टाचार के खिलाफ हर पल हर कदम आपके साथ, क्राइम सस्पेंस न्यूज नेटवर्क लखनऊ। जयपुर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। ओटीएस योजना जो 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली थी, उसको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के निर्देश पर जनता की बेहद मांग पर पूरे उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 16 जनवरी 2024 तक कर दी गई है। कानपुर में यह उपभोक्ता किसको द्वारा ओटीएस योजना, जिसमें एक मुफ्त समाधान योजना के अंतर्गत बिजली उपभोक्ता किसी भी तरह के पुराने बिलों को सरचार्ज माफी से मुक्त बिल को पेड करके अपना समस्या का समाधान पा सकते हैं। किसको द्वारा जारी यह सूचना जनहित के लिए प्रकाशित की गई है, इसलिए जनहित को चाहिए कि अब इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा करके अपने बिलों में संशोधन करा करके बिल को जमा कर सकें। इस अवसर पर किसको के मीडिया प्रभारी श्रीकांत रंगीला ने बताया, कानपुर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह राहत भरी खबर है। 16 जनवरी 2024 तक कोई भी बिजली उपभोक्ता रजिस्ट्रेशन करा करके किसको की ओटीएस योजना का लाभ उठा सकता है। ओटीएस योजना जो 31 दिसंबर तक की थी, अब उसकी क्या स्थिति है, क्या कोई तिथि बढ़ाई गई है? ये हमारे पावर कॉर्पोरेशन स्तर से आदेश हुए हैं और इस योजना को 16 जनवरी 2024 तक विस्तारित किया गया है। इसमें जो तीसरा फेज था 31 दिसंबर 2023 तक का, उसी को विस्तारित किया गया। इसके अंतर्गत एकमुश्त जमा करने पर 80% ब्याज की छूट है और जो चोरी से संबंधित प्रकरण है उन्हें 50%। सर, अब तक कितना राजस्व आ चुका होगा ओटीएस योजना के अंतर्गत? ओटीएस में हमारे 50,059 लोगों ने ओटीएस में रजिस्ट्रेशन करा करके और बिना रजिस्ट्रेशन के जमा किया है। रजिस्ट्रेशन जो किया गया है वो हमारे 21,576 कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने ओटीएस का फादर रजिस्ट्रेशन कराया है और उसमें किस्तों में भी जमा कर रहे हैं। वो सर 26,92,00,000 रुपए जमा हुए। सर 1912 की क्या स्थिति है सर? 1912 आज जैसे बारिश का समय है तो लगातार कॉल आ रही है, शुरू बारिश के बाद से 6 बजे से और 10:50 तक 3158 कॉल रिकॉर्ड रिसीव की गई। वर्तमान में 48 कंप्लेंट पेंडिंग है, कोई बियॉन्ड टाइम नहीं है। बियॉन्ड टाइम मतलब इसको 7-8 घंटे होते हैं, बियॉन्ड टाइम चले जाते हैं, ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। सर, शहर की जनता से क्या कहना चाहते हैं विद्युत आपूर्ति को लेकर? मैं यही अपील करूंगा कि क्योंकि बारिश का समय है और बारिश के साथ ठंड भी है, स्टाफ लगातार काम कर रहा है, वो 191 पर कॉल करके अपनी कंप्लेन नोट करा दें। हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, बार बार सब स्टेशन पर कॉल ना करें, इससे काम में उनको दिक्कत ना हो।